So we are going to start another chapter which is very important chapter of this book और in topology as well. So हमारा top chapter है chapter number 11 और इसमें हम क्या discuss करेंगे, हम पढ़ेंगे एक topological property के ऊपर complete chapter है which is कम्पैक्टनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को इसकी समझ नहीं आती, ठीक है। सो अगर मैंने अभी कहा ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, मैंने कहा ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, इट मींस ये किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो कम्पैक्टनेस है, राइट। सो अब देखते हैं कैसे करना। अच्छा पहले ये समझने का कम्पैक्टनेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये समझ आए, मुझे ये समझ आए कि कवर क्या है, मुझे ये समझ आए कि सब कवर क्या है, सॉरी ओपन कवर क्या है, राइट। यहाँ ओपन कवर का वर्ड भी वहाँ है, ओपन कवर क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फाइनाइट सब कवर क्या है, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अपना कम्पैक्टनेस को, ठीक है। हम ज़्यादा फास्ट ट्रैक नहीं चलेंगे, मैं चाहती हूँ जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको भी समझ आए और जिसको पहले से आता है उसको कुछ सीखने का मौका मिले, ठीक है। सो इधर देखते हैं। सो पहले देखते हैं कवर क्या है। कवर क्या है, अगर मेरे पास एक्स मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका सबसेट है, ए सबसेट है किसका, एक्स का, और मैं एक्स के अंदर से क्या करूँ कुछ सबसेट उठा लूँ, ठीक है। बल्कि इसमें मैं अल्फा ले लेती हूँ, अल्फा हमारे पास क्या है कुछ सबसेट्स है एक्स के। अब ए भी एक सबसेट है एक्स का और अल्फा भी एक सबसेट है एक्स का, कलेक्शन ऑफ सबसेट, ये क्लास लिख लो, क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। बिल्कुल वैसे जैसे काम हम ओपन सबसेट ऑफ एक्स लेते थे ना, यहाँ पे हम खाली सबसेट्स ऑफ एक्स ले रहे हैं। अगर ओपन सबसेट ऑफ एक्स लेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा वो मैं थोड़ी बात बताती हूँ, ठीक है। सो हमने अल्फा लिया, क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ए भी सबसेट है एक्स का और अल्फा भी सबसेट है एक्स का। तो क्या होगा, होगा ये कि ये जो मेरे इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स है ना, लेट्स से वो मैं कह रही थी ई एलिमेंट्स है, मतलब E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, जितने मतलब E जितने मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो मेरा जो A है, मेरा A अगर सबसेट हो यूनियन ऑफ दिस E's का, तो क्या होगा, अगर ये चीज बन जाए तो जो E's है मतलब ये जो अल्फा है जो क्लास ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है वो मेरे ए का क्या होगा, कवर। बात समझ आई कैसे कवर बनेंगे, और इसी से आगे बात बढ़ाऊँ, और हम एक चीज डिस्कस करेंगे चीज ओपन कवर। और ओपन कवर क्या है, बहुत सिंपल है, देखो किस तरह, अगर वही सेम बात, एक्स मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और मैंने एक सबसेट उठाया एक्स का और एक्स के अंदर से अल्फा लिया, अल्फा भी एक सबसेट है, कलेक्शन ऑफ सबसेट है एक्स की। अगर मैंने उस कलेक्शन में या क्लास में या फिर जो भी आप कह लो फैमिली में क्लास ऑफ ओपन सबसेट ले लिए, मैंने एक्स के ओपन सबसेट ले लिए और वो ओपन सबसेट्स का एक सेकंड वाला ये था, तो वो जो ओपन सबसेट्स थे उनका जो मैं यूनियन करूंगा जी आई का, और मेरा ए अगर उसका सबसेट निकाला है, ए सबसेट निकला है किसका, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स का, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट में, इन दैट केस क्या होगा कि ये जो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है ना ये मेरे ए का क्या होगा, ओपन कवर। बात समझ आई कि नहीं आई, हो क्या आपको आई हो, ठीक है। अब एक बात आपको विजुलाइज कराती हूँ, अभी मैं एक बात यहाँ से बताऊंगी, पहले विजुलाइजेशन करते हैं, ठीक है। आज यहाँ से वाइट ले लेते हैं, छोटी वाइट, ये मेरे पास R2 है, ये मेरी R2 है, ठीक है। और इसमें जो टोपोलॉजी डिफाइन है R2 पे यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 होती है, ये यूजुअल टोपोलॉजी पे डिफाइन होगी यकीनन, है ना, R2 पे यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन होती है, ये सब जानते हैं। अब मैं कहती हूँ इस R2 पे ना कोई पॉइंट्स ले लेती हूँ, लेट्स से मैं इसमें, अच्छा याद है हमने पढ़ा था चैप्टर में, कौन सा चैप्टर था आई गेस मुझे याद नहीं, हमने पढ़ा था कि R2 के ना यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन होती है ना, तो उसमें हमारे पास रेक्टेंगल बनता है या स्क्वायर बनता है या कोई भी 4D स्पेस शेप बनती है ना, पढ़ा था ना आई गेस, ये चैप्टर नंबर सब स्पेस वाला था आई गेस। तो यहाँ पे ऐसा ये पॉजिटिव 1 होगा, अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ ये भी पॉजिटिव 1 होगा, ये -1 होगा, ये -1, ठीक है। तो मेरा रेक्टेंगल बन गया, अब मैंने बना के दिखाया तो समझो उनका हमने कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स ड्रॉ करने कर लिए। अब मैं क्या करूंगी, कर लिया ड्रॉ। अब देखो अब मेरे कोऑर्डिनेट्स में ओपन सेट जो आ रहे हैं लिख लीजिए, एक ओपन बॉल ये है, ओपन सेट चलो ओपन सेट ले लो, एक ओपन सेट ये है, एक ओपन सेट ये है, एक ओपन सेट ये है, एक ओपन सेट, मतलब बहुत सारे ओपन सेट बनाना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे एक्चुअली, नहीं ना बहुत बना के दिखाती हूँ बिकॉज एक विजुलाइज देना चाहती हूँ। इसे बुक में तस्वीर बनी हुई है, वहां से देख सकते हो, हम खुद बना के आपको इतना विजुलाइज कराएंगे, चलो वैसे भी बना देंगे। छोटे छोटे ओपन बॉल बना रही हूँ मैं और उन सबका रेडियस मैं ना अप्रोक्सीमेटली सेम ही ले रही हूँ। ये सारे मेरे क्या है, जी आईज है, जी आईज कर लो, ये मतलब ओपन सबसेट है मेरे, तो ये मेरे जो सारे मैंने ड्रॉ किया है ना मेरे जी आईज है। तो लेट्स से ये G1 हो सकता है, ये G2 हो सकता है, ये G3 हो सकता है, ये G4 है, और इस तरह करते करते यहाँ टिल नाउ GM तक, ठीक है। तो इन सबका अगर मैं यूनियन करूँ तो अगर आप गौर से देखो मेरा ए है, जो मैंने सबसेट लिया है, ठीक है। 1 सेकंड में जरा इसको अच्छा बना लूँ आपके लिए। इधर देखो, ये माइनस और यहाँ से हम इस तरह ले लेते हैं, which is this, और ये लो ये, ठीक है। तो ये मेरा ए है और आप, अच्छा मैं ए को दूसरे कलर से देती हूँ, ये मेरा ए है। तो आप देख पा रहे मेरा ए ये है और मेरे जी आई जी हैं। तो आप क्लियरली विजुलाइज कर सकते हो कि ए मेरा सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ जी आई का। कर लिया विजुलाइज, ऑफ कोर्स आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, गौर से सोच के बताना मुझे, अगर मैं सिर्फ इतने जी आईज उठा लूँ, कितने उठाऊँ देखो इतना, अगर मैं सिर्फ इतने जी आईज लूँ, ये मेरे जी आईज इसके अंदर आ रहे हैं, तो तब भी अगर मैंने टिल नाउ समझो कि अगर मैंने जी आईज लूँ एम तक, लेट से एम तक मैंने कुछ करीब करीब के जी आईज उठा ली, मतलब फाइनाइट जी आईज उठा ली। इस केस में जी आईज मेरे पास इनफाइनाइट है और जितने भी आ रहे थे पता इनफाइनाइट थे। अगर मैं फाइनाइट जी आईज ले लूँ, मतलब ये देखो करीब करीब के, 1 सेकंड में जरा वाइट ले लेती हूँ, और देखो ये जी आईज है, ये जी आईज, ये ओपन सेट है। क्या अगर मैं सिर्फ इन ओपन सेट को उठाऊँ तब भी तो देखो मेरा ए सबसेट ही आ रहा है ना, तभी मेरा ए सबसेट ही आ रहा है यूनियन ऑफ जी आईज का, लेकिन अब वो फाइनाइट है। तो याद रखना क्योंकि कवर के अंदर से हमने कवर लिया, कवर के अंदर से कवर लिया तो वो सब कवर बना। आई होप समझ आई हो, अगर बात समझ आ गई हो तो आपको काफी विजुअलाइजेशन करने में अच्छी लगा होगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने ओपन लिया है, ओपन सब कवर्स लिए हैं, तो वो मेरा ओपन सब कवर हो गया, क्योंकि ओपन सेट्स लिए मैंने, ठीक है। एक ही ओपन सेट्स लिए मैंने, सॉरी एक्स मैंने ओपन सेट्स लिए इसलिए ओपन सब कवर बने, ये बात भी होगी, ओके। अब क्योंकि मैंने जो जी आईज लिए हैं सब कवर में वो फाइनाइट है, तो ये मेरा बना ओपन फाइनाइट ओपन सबसेट। तो फाइनाइट ओपन सब कवर बने किसके, ए के, ऑफ ए। अब आज हम नाउ वी आर रेडी फॉर कंपैक्टनेस डेफिनेशन। कंपैक्टनेस की डेफिनेशन आप सुनो क्या होती है, कंपैक्टनेस क्या है, या फिर कंपैक्ट सेट क्या होते हैं। अच्छा कंपैक्टनेस ना एक एब्सोल्यूट टॉपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब अगर मैं एक सेट, अगर मैं स्पेस की एक सेट पे को चेक कर लूँ वो कंपैक्ट है या नहीं है, तो इसमें जो पूरी स्पेस कंपैक्ट है कि नहीं मुझे पता चल जाएगा उससे, एक सेट, ठीक है, एब्सोल्यूट टॉपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो कंपैक्ट सेट्स को पहले देखते हैं, सेट्स नहीं जो सेट कर लो, ठीक है। कोई भी एक्स मेरी टॉपोलॉजिकल स्पेस है और ये मेरा सबसेट है किसका, एक्स का, और ये ए इस कंपैक्ट, ये ए कंपैक्ट कब होगा, कंपैक्ट सेट इफ कब होगा कि अगर मेरा ए सबसेट है यूनियन ऑफ जी आईज का और ए कैन बी रिड्यूस टू अ फाइनाइट, ए कैन बी रिड्यूस टू अ फाइनाइट कैन बी, और ये जो ये है ना कैन बी रिड्यूस टू फाइनाइट सब कवर, बात समझ आई होगी, तो ये बस कहानी यही है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा जूम आउट हूँ, ये देखो कहानी सिर्फ यही है, ठीक है, इतनी ही है, इतनी कंपैक्टनेस की डेफिनेशन इतनी ही है, ठीक है। तो अब जरा जूम आउट करते हैं और इधर आ जाओ, बुक से कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत आई होप कि आप लोग रेडी हैं फॉर दैट। सो कवर क्या है, सुनो कि कवर क्या है। अल्फा इज अ कलेक्शन ऑफ जी आईज, और जी आईज क्या है, क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। और अगर हमारा ए जो कि सबसेट है एक्स का, विच इज दिस यहाँ लिखा हुआ है, अगर मेरा ए सबसेट हो यूनियन ऑफ जी आईज का, देन अल्फा इज कॉल्ड द कवर ऑफ ए। तो मतलब अल्फा जो था वो कवर किसका बना, कवर बना किसका, ए का, ए का है सबसेट ऑफ एक्स। बात समझ आई कि नहीं। और अगर जो मैंने ओपन सेट्स लिए हैं, वो सॉरी जो मैंने सबसेट ऑफ एक्स लिया वो ओपन हो, तो मेरा क्या बन जाएगा, ए अल्फा क्या बन जाएगा, ओपन सब कवर। बात समझ आई कि नहीं। तो अगर मैंने जो सबसेट ऑफ एक्स लिए हैं वो ओपन सेट्स थे, तो मेरा ये जो ओपन थे तो ये मेरा अल्फा ए का क्या बना, ओपन कवर। इफ फाइनाइट सब क्लास ऑफ अल्फा इज आल्सो द कवर ऑफ ए, देन हम कैसे दे एग्जिस्ट जी आई वन जी आई टिल जी आई एम बिलोंग्स टू दिस विच इज आल्सो दिस। ये कंडीशन सबसे अहम और यही ऐसे में बनाएगी हमारी कंपैक्टनेस की डेफिनेशन। देखो जी आईज थे यूनियन, हमने जी आईज लिए टिल एम तक, सच दैट कि हमारा ए भी सबसेट है किसका, जी आई वन जी आई टू टिल जी आई एम तक। आई बात समझ के नहीं। और ये वो डायग्राम है जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई थी, ये वो डायग्राम, ठीक है। और ये बहुत आसान है, आई होप कि अभी इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और ये थ्योरम आपके पास पेपर्स में, आपसे गोदा यूनिवर्सिटी हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो या पाकिस्तान किसी भी यूनिवर्सिटी हो या कहीं भी दुनिया में, तो आप अगर टॉपोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो ये थ्योरम हैनी-बोरेल का जो थ्योरम है ना, यही कंपैक्टनेस की डेफिनेशन बनाता है। अगर इसके बुनियाद पर जो है कंपैक्टनेस की डेफिनेशन बनी, कंपैक्ट सेट बनी, ठीक है। सुनो बहुत गौर से सुनो। अब बात यह है, हाइनेबोरेल थ्योरम को जरा पहले हाईलाइट करें। वो ये कहता है कि अगर मैं जो सबसेट लूँ एक्स का, मैंने कहा था कि हमारे पास एक्स जो था वो टॉपोलॉजिकल स्पेस थी और हम ए ले रहे थे सबसेट ऑफ एक्स। अब अगर हाइनेबोरेल कह रहे हैं कि अगर जो मैंने सबसेट लिया ना एक्स का ए, वो ए जो है मेरा वो बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो, ऐसा सबसेट हो बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो। यहाँ पे उसने उन्होंने क्लोज इंटरवल या बाउंडेड क्लोज इंटरवल हो, ठीक है। अगर मेरा ए बाउंडेड क्लोज इंटरवल हो और लेट कर लेते हैं, ये सेट है जी आई का मतलब ओपन सबसेट का, और जो मेरा ए है ना वो सबसेट निकल आए यूनियन ऑफ जी आई का, ठीक है। और अगर सबसेट निकल जाए और मैं उसमें से सिलेक्ट कर लूँ फाइनाइट नंबर ऑफ जी आई, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लूँ, उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लूँ मतलब जी आई ले लूँ, जो ओपन सेट को जाए जी आई लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जी आई ले लें, ठीक है। सो वो इस फॉर्म के होंगे GI1 GI2 और टिल नाउ GIM तक। तो और मेरा A जो है क्लोज बाउंडेड इंटरवल, फिर भी सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ GIs का, और जो I है वो टिल और लेस देन और इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू किसके हो M के। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा I लेस देन, ठीक है, आई बात समझ के नहीं, यही सही बात है। और ये दोनों नाम बहुत ज्यादा आया हुआ है तो बहुत ज्यादा ध्यान से करेंगे। यहाँ से लेट ए बी इज इक्वल टू बाउंडेड इंटरवल ए एंड बी बी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल सच दैट, सॉरी लेट जी आई बी द क्लास ऑफ द ओपन सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी आई, देन वन कैन सेलेक्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट से GI1 GI2 टिल GIM सो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ GI1 यूनियन सो ऑन यूनियन ऑफ GIM। आई बात समझ के नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि हेनिबोरेल थ्योरम को ना इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, उन्होंने इसको एक नई फॉर्म दिया हेनिबोरेल थ्योरम की। वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगी पेपर में, तो आप पहले वाला लिखो। तो ये क्या है कि एवरी ओपन कवर ऑफ अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए एंड बी इज रिड्यूसेबल टू अ फाइनाइट सब कवर, ठीक है। उनका हर बाउंडेड इंटरवल जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं हम, अगर ओपन कवर जो होगा बाउंडेड और क्लोज इंटरवल का, उसको हम फाइनाइट ओपन कवर पे भी रिड्यूसेबल मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर किसी को एक सेकंड मैंने पेन मोटा पकड़ लिया, अच्छा देखो इधर एक सेकंड, इधर देखो, यहाँ पे देखो हमने पहले फाइनाइट ओपन कवर को भी रिड्यूस कर दिया, राइट, तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा आ जाओ आप कम्पैक्टनेस की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। ओह कम्पैक्ट सेट्स क्या है? The concept of the compactness is no doubt motivated by the property of a closed and a bounded interval. तो closed and bounded interval से बना as stated in the classical Heine-Borel theorem, ठीक है। अब आज जो असल बात जो हमने करनी थी उस पर पहले जरा इसको डालते हैं, पहले जरा उस बात पहले जो हमने करनी है एक्चुअली वो है हमारे पास डेफिनेशन, वो है ये a subset A of a topological space। अब एक टोपोलॉजिकल स्पेस का हमने सबसेट लिया, वो कंपैक्ट कब होगा? If every open cover of A, अगर A का हर ओपन कवर is reducible to a finite cover। आई बात समझ, यही बात है। So रेड लेते हैं, चलो ठीक है। In other words, if A is compact, अगर A compact है इसका मतलब है A सबसेट है यूनियन ऑफ जी आई इसका, जहाँ पे जी आई क्या है हमारे पास ओपन सबसेट है, देन वन कैन सेलेक्ट, तो आप कोई भी सेलेक्ट, आप अगर हमारे पास यूनियन ऑफ ए आई तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट से GM तक, और वो भी हमारा ए उसका भी क्या होगा सबसेट होगा यूनियन ऑफ उन जी आई का जो कि फाइनाइट जी आई है। तो हमारा जो ए है वो क्या बन जाएगा? कंपैक्ट, ठीक है। बाय द हेनी-बोरेल थ्योरम एवरी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए एंड बी ऑन आर इज कंपैक्ट। अब जानते हो एक बात, यहाँ से देखो, इधर देखो, आई नो कि काफी डिटेल लेक्चर हो गया बट प्लीज सुनेंगे एक मिनट, सुनो बहुत गौर से। हम जानते हैं कि हमारे जो इंटरवल्स होते हैं वो सबसेट होता है किसका? रियल नंबर से, रियल नंबर, अच्छा सॉरी बहुत बुरा लिखा जाता है, रियल नंबर से क्या होता है? सबसेट होते हैं। और रियल नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? रियल नंबर लाइन पे। ये रियल नंबर लाइन आ गई, ये हमारे पास रियल लाइन आ गई। तो और रियल लाइन पर ये एक पॉइंट ए है लेट से, वो भी एक रियल नंबर है, ये बी हमारे पास रियल नंबर, और इस पे क्लोज इंटरवल में क्लोज और बाउंडेड इंटरवल बहुत आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि हम क्लोज और बाउंडेड इंटरवल क्योंकि सबसेट है रियल नंबर्स का और वो रियल लाइन पे हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे, है ना। इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है ना ऑन रियल नंबर लाइंस हमेशा कंपैक्ट होता है बाय हेनी-बोरेल थ्योरम। बात समझ आई कि नहीं? राइट, चलो ओके। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल पर एक सेकंड में जरा यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2.1 आप लोगों को समझ आ गई। अब एग्जाम्पल नंबर 2.2 पर, एग्जाम्पल नंबर 2.2 क्या कहती है हमसे? एग्जाम्पल नंबर 2.2 ये कहती है कि अगर ए हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है, अब ए हमारे पास क्या है? फाइनाइट सबसेट है, किसका? टॉपोलॉजिकल स्पेस का। हमारे एक्स टॉपोलॉजिकल स्पेस थी, हमने ए उसका फाइनाइट सबसेट उठाया और लेट कर लो ए के अंदर जो एन वाले एलिमेंट है वो A1 A till AM तक है। देन A is necessarily compact, तो A necessarily compact होगा, मतलब जरूर compact होगा। मतलब ये बात सुनो यहाँ से, एक सेकंड यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ कि अगर मेरी X जो था वो टॉपोलॉजिकल स्पेस थी और A मेरा सबसेट था X का, राइट। और अब कंडीशन ये आ रही है कि अगर मैंने जो A लिया है X का सबसेट वो फाइनाइट हो जाए। A क्या है? फाइनाइट है। और X क्या है? एग्जैक्टली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब X इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है और फाइनाइट इनफाइनाइट का सबसेट हो सकता है। और अगर मैं ए फाइनाइट लूं और अल्फा के अंदर यकीनन ए आइज आयन जो है ओपन सबसेट्स होंगे, तो मेरा जो ए है वो नेसेसरीली क्या होगा? जरूर, मतलब नेसेसरीली जरूर क्या होगा? कंपैक्ट होगा। वो क्या है, क्या वजह रहेगी? वजह ये रहेगी कि जो मेरा ए है वो क्या है? फाइनाइट। बात समझ आई? ओके, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। इफ यहाँ से आ जाओ, इफ I is if G is equal to GI is an open cover of A, then each point in A belongs to one of the member of G, say ये और उसके according to the this and this। बात समझ आई? I hope आपको आई, ठीक है, ओके। Since a set A is compact, एक कोई भी set A compact कब होगा? If and only वाली condition है कि every open cover of A contains finite sub cover, मतलब ये तो बात चल रही थी। We only have to exhibit one open cover of A with no finite subcover to prove that A is not compact। मतलब अगर नॉट कम्पैक्ट बना तो बहुत ही गेम आसान है। तो गेम ये आसान है कि आप प्रूफ कर देंगे कि A का एक ऐसा ओपन कवर जरूर एग्जिस्ट करता है जो फाइनाइट है, लेकिन वो फाइनाइट है, वो A के ओपन कवर ऐसे एग्जिस्ट करता है जो फाइनाइट सब कवर नहीं है A का, तो हम प्रूव कर देंगे वो क्या है? नॉन कम्पैक्ट। बात समझ आई? अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसको समझने के लिए पहले हम ना इधर से आ जाते हैं, इधर से विजुलाइज करते हैं बात को। हमारे पास क्या है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ से इधर देखो, बहुत गौर से देखने की बात है। हमारे पास एक्स क्या थी? एक्स क्या थी? टॉपोलॉजिकल स्पेस। अब जो हमने ए लिया ना, जो सबसेट ऑफ एक्स, वो हमारे पास ए जो मैंने लिया ना ए, यहाँ पर इस केस में एग्जाम्पल वो 0 1 है, देख सकते हो। अगर मैं हाईलाइट कर दूँ, देखो ये वाला 0 1 है, किसमें? रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब मैं ये इंटरवल है तो इसको रियल नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। आज लेट्स से ये 0 है, लेट्स से, और ये 1 है, ठीक है। और इसमें क्या बनाया हुआ है? ओपन इंटरवल, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये भी कंपैक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? अब देखते हैं, पहले हमने ओपन इंटरवल ढूंढ, पहले ओपन सेट्स ढूंढेंगे। अब इस केस में हम जो इसका ओपन सेट्स मालूम करेंगे ना, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है GN is equal to 1 over N plus 2 over 1 over N, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास ओपन इंटरवल है, हम क्या फाइंड करेंगे? ओपन सेट्स। और फिर देखेंगे क्या वो ओपन सेट्स जो हम फाइंड करेंगे इस इंटरवल पर, वो हमारे पास ओपन कवर, फाइनाइट ओपन कवर बनाते हैं या नहीं। अगर ओपन कवर है तो क्या उसका ओपन सब कवर भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो चलो चेक करते हैं। तो जरा मैं पहले फॉर्मूले में जरा आपको वैल्यूज डाल के दिखाती हूँ। यहाँ से आ जाओ, क्या सेलेक्ट करें? चलो इस तरह करते ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैं 1 पुट करूँ तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 डालो तो आएगा मेरे पास 1/3 1 1, देखो 1, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 डालू तो गेट 1/4 कोमा 1/2, और अगर मैं इसमें 3 डालूं तो आई गेट 1/5 over 1/3, और इसका कहानी चलती रहेगी, ठीक है। अब पहला ओपन सेट जो है हमारे पास इस पूरी कहानी में, वो क्या आ रहा है? 1 और 1.3, तो अच्छा ठीक है। 0 और 1 के बिल्कुल बीच में इनका मीन एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज दिस, विच इज 1/2। किसी को यहाँ तक तराज नहीं, तो 1 और इनके मीन ये 1 और 0 का, और 1 और 0 के 1/2 के करीब में यहाँ करके ना 1.3 पड़ा हुआ। तो पहला ओपन सेट जो मैं मिला है ना, पहला ओपन सेट वो ये विच इज G1, ठीक है। ये पहला ओपन सेट, पहले ओपन सेट जो मैंने बनाया है उनको प्लॉट तो करके देखें क्या बनता है, ठीक है। अब दूसरा ओपन सेट जो मैं मिलेगा ना, दूसरा ओपन सेट वो 1/4 और 1/2, तो यहाँ से लेकर 1/4 जो की ना कोई बहुत ही करीब में बड़ा होगा यार, इधर से इधर लेट से इधर बड़ा होगा 1/4। दूसरा ओपन सेट जो मैं मिला है वो कहाँ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, विच इज G2, राइट। अच्छा G4 तो मालूम करें। अब 1/5 से 1/3, 1/3 ये है, 1/5 जी किया नहीं बढ़ाओ। तो जो हमें एक सेकंड थोड़ा ऊपर करते हैं यहाँ से, तो हमें तीसरा ओपन सेट मिला वो ये विच इज G3। और इस तरह करते हैं, दो चार अपलोड करके देखते हैं, आपकी जरा फीलिंग आएगी, अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी। सो यहाँ से कोड देते, फॉर्मूला हमारे पास था ये। सो अगर मैं पुट करूँ 3 पुट किया था 4 पुट करूँ तो आई गेस 4 + 6 1/6 over 1/4 और आएगा मेरे पास 5 6 के बाद 4 के बाद 1/7 और 1/5 ये चलो 5 से बढ़े और बच गए तो 1/6 और 1/4 तो 1/6 आप लोग जानते हो यकीनन वो इधर एग्जिस्ट करता है 1/6 ठीक है। तो हमारे पास जो चौथा ओपन बॉल है वो कहाँ से आया, ये 1/6 से लेकर ये 1 तो हम आगे पहुंच गए सॉरी ये 1/6 है। सो अच्छा 1/6 मैंने ड्रॉइंग किया सॉरी ये 1/6 है। सो 1/6 से हम पहुंचे 1/6 से हम पहुंचे ये रहा हमारा 1/4 तो ये हमारा G4 है। मिल गया कोड ओपन सेट। चलो ये G3 यहाँ लिख लेते हैं। अब 1/7 से 1/5 हमारे पास ये देखो अगला है तो अब 1/7 यकीनन करीब में पड़ा होगा 1/6 के, बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब है ये 1/7 और 1/5 ये है। ऐसा कुछ बनेगा ये हमारे पास G5। तो अब हमने देखा क्या, विजुअलाइज किया एक बात बहुत गौर से देखने वाली थी कि 0 और 1 के अंदर जितने भी ओपन इंटरवल्स थे ना, जो ओपन सेट्स थे वो 0 और 1 के बीच में पड़े थे। कोई भी ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके अंदर 0 और 1 आए। हमें तो कुछ ऐसा चाहिए था ना, हमें तो एक्चुअली इस तरह की चीज चाहिए थी, हमें तो कुछ ऐसा चाहिए था। हमें अगर हमारे रियल नंबर लाइन ये है, अगर ये मेरा A है ये मेरा B है और ये ओपन इंटरवल है तो हमें ऐसा केस चाहिए था, हमें कुछ ऐसा चाहिए था, हम कुछ ऐसा देखना चाहते थे, कुछ ऐसे ओपन सेट निकलेंगे जो ओपन इंटरवल ओपन सेट होते तो इस पर ऐसा कुछ देखना चाह रहे थे जो हमारा कुछ ऐसा हो, 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 कुछ तो हम ये चाह रहे थे कुछ ऐसा सीन होता है ना। अगर ऐसा सीन होता तो हम कहते, अगर हम ऐसे फाइंड कर लेते तो हम कहते हाँ फाइनाइट भी मिल रहा है तो ये कम्पैक्ट हो जाता, लेकिन हमें तो फाइनाइट कवर ही नहीं मिल रहा है तो कोई भी ओपन इंटरवल कवर ही नहीं है। जब कवर भी नहीं है, ओपन कवर भी नहीं है और ओपन कवर नहीं है तो फाइनाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस केस में क्या होगा, नॉट कम्पैक्ट। आई होप आपको विजुअलाइजेशन समझ आई। बिल्कुल सेम बात ना इधर भी है, पढ़ लेते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कंसीडर क्लास ऑफ इंटरवल, ये ओपन इंटरवल जो एग्जिस्ट करते हैं किसके, 0 और 1 के बीच में। ये देखो यहाँ क्या, ये फॉर्मूला था, इसमें वैल्यू पुट की हुई, ये सब कुछ आ गया और ये देखो सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं किधर, 0 और 1 के बीच में। पहला 1 - 3 और 1 और 3 और 1 है, फिर दूसरा 1 और 4 और 2 है और ये सारा देखो जिससे हमने बिल्कुल यहाँ ड्रॉ किया था राफ्टर, उन्होंने थोड़ा अच्छा बुक ने कर लिया बिकॉज ठीक है प्रिंटेड है राइट। आई होप को समझ आई हो क्योंकि G कंटेन्स नो फाइनाइट सब कवर लाइक दिस तो इसका मतलब है इज नॉट ऑफ कवर ऑफ A सो इट इज नॉट कम्पैक्ट राइट। अगला हमारे पास थ्योरम है जो कि आई के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है। सो अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला सब्सक्राइब बटन को आपने जरूर हिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है।